नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल विधायक जो कि स्थानीय विधायक है, उन लोगों से जीविका दीदियों की बातचीत हो रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो जीविका दीदी लगातार विधायक जी से संवाद कर रही है कि हमारी पेमेंट को लेकर जिस तरीके से छल किया जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ जीविका दीदियों की प्रॉब्लम्स है जो विधानसभा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को, जीविका की जो कैडर है, जो जीविका दीदियां हैं, ये अपने कंधों पर पिछले 16 साल से लेकर आगे बढ़ रही हैं। इसकी वाहवाही नीतीश कुमार हर चुनाव में लूटते हैं, देश विदेश के सारे मंचों पर इनकी वाहवाही लूटते हैं। लेकिन जिनके कंधे पर जीविका योजना चल रहा है, उनको आज तक 16 साल में सरकार ने परिचय पत्र तक नहीं निर्गत किया है। हर तरह के काम इनसे लिए जा रहे हैं। जो भी सरकार की योजना है, राशन कार्ड बनना होगा, जीविका दीदी लग जाइए। कोरोना के समय टीका के लिए लोगों को उठाना है, जीविका दीदी लग जाइए। यहाँ तक कि शौचालय जो साफ सफाई चल रहा है उसमें पैसा कलेक्ट करना है, जीविका दीदी लगी। तो इस तरह की जितनी योजनाएं सरकार की चलती हैं उनमें इनको लगाया जाता है, लेकिन आज तक इनको वेतनमान तय ही नहीं किया गया। अब सरकार लाई थी जीविका योजना इस मकसद से कि हम जीविका के माध्यम से महाजनी सभ्यता को खत्म करेंगे। गांव देहात में जिस तरीके से महिलाओं को सूद के चुंगल में फंसाया जाता है, उसको समाप्त कर देंगे। आज आप जीविका के पूरे कैडरों से बात करके देखिए, जिसके परिवार में कोई लोन की जरूरत नहीं, उसको पैसे का भी जरूरत नहीं भी है, वैसे लोगों को भी जबरदस्ती लोन दिलवाया जा रहा है। महाजन पहले गांव देहात के थे, अब प्राइवेट और सरकारी बैंकों को महाजन बना दिया गया है। तो आप महाजनी सभ्यता से फैल रहे हैं और जो जीविका से जुड़े हुए कैडर हैं उनको आप 1200 रुपए दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि आप कलेक्ट कर लीजिए, तहसील लीजिए नीचे के गरीब महिलाओं से। हमारी मांग है कि सरकार 20 लाख जीविका कैडर के लिए वेतनमान तय कर दे, इनको आई कार्ड तत्काल बना कर दे। जो बाकी जगह पे सरकारी कर्मचारी हैं उनको जिस तरीके से वेतनमान मिलता है, जिस तरीके से उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, बच्चे अगर परिवार गोद में बच्चा है तो उसके लिए कुछ समय देंगे उनको वेतन के साथ, तो इस तरह की सुविधाएं इनको भी दिया जाए। और साथ ही साथ सरकार जमींदार की तरह सलूक करना बंद कर दे। अभी जो हो रहा है कि हम गलत करेंगे, आप जीविका के कैडर हैं, हम आपके साथ गलत करेंगे, लेकिन आप बोलिएगा तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको काम से हटा देंगे। ये व्यवहार कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। और बिहार विधानसभा में माले की तरफ से जब इसको हम लोगों ने उठाया था, मंत्री ने पूरे सदन के अंदर झूठ जवाब दिया कि जीविका कैडर को कार्ड दिया जा रहा है, पहचान पत्र दिया गया है। एक भी जीविका को बिहार में पहचान पत्र निर्गत नहीं किया गया है, न तो वेतनमान दिया जा रहा है, न तो किसी तरह की कोई सुविधा दी जा रही है। तो इनका जो आंदोलन है इसके साथ हम खड़े हैं। हमने जीविका कैडर के तमाम दीदियों को हमने कहा है कि आप लोग जब भी किसी कदम पर जरूरत महसूस हो कि हम साथ में हैं तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और नवंबर में जब विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें मजबूती से एक बार फिर से हम लोग जीविका के मैटर को उठाएंगे। यही आप हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर जीविका दीदियों के लिए लगातार कोशिश की है और प्रयत्न करेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा में भी मांग उठाने की मांग की है और फिलहाल इन लोगों के पास से जो लिस्ट मिलेगा उसे शायद विधानसभा में उठाया जाएगा, आश्वासन भी दिया गया है। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।